हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 लाइट ऑफ क्लास 7 साइंस। इसमें हम देखेंगे लाइट जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह से दिखती है, किस तरह से इन्वेंट होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बीम होती है सनलाइट की, कि एंटर करती है किसी रूम के थ्रू, अगर नैरो ओपनिंग या एक होल है और कहीं सन की रेज वहां से अंदर आते हुए दिखती है, तो आपको किस तरह से दिखता है बीम, किस तरह से अंदर आ रही है लाइट की। हमने देखी होगी स्कूटर्स या कार्स या इंजन ऑफ ट्रेन की, अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलाइट्स की बात करें, तो किस तरह से उसमें से जो लाइट है, बीम की लाइट जो है, मतलब लाइट का जो बीम है वो किस तरह से हमें दिखता है। इसी तरह जो बीम ऑफ लाइट है, ये टॉर्च की अगर हम देखें तो टॉर्च की भी लाइट हमें किस तरह दिखती है, एक स्ट्रेट लाइन में दिखती है। तो हमने जैसे बहुत सारी बीम्स को देखा है, सर्च लाइट जो होती है, बीम्स, सर्च लाइट के बीम्स जो होते हैं, लाइट हाउस की बात करें या एयरपोर्ट टावर की बात करें, तो हमें बहुत सारे जगह पर हमें देखने को मिलता है कि लाइट की जो बीम्स होती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, किस तरह से होती हैं। आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा और आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमें सर्च लाइट दिया हुआ, लाइट हाउस दिया हुआ है। अब लाइट ट्रैवल जो होता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए जो सारी बातें मैंने तुम्हें पहले बताई आपको, जैसे कि ट्रेन है, स्कूटर है, सबके हेडलाइट्स की बात करें, टॉर्च की बात करें, तो सब में से हमें लाइट कैसे पास होते हुए दिखता है, तो स्ट्रेट लाइन में पास होते हुए दिखता है। तो जैसे कि हमने एक्टिविटी क्लास 6 में की थी परफॉर्म, जिसमें हमने कैंडल को सामने रखा था और एक बेंड पाइप लिया था, एक पहले पाइप लेकर स्ट्रेट पाइप से हमने अगर उस कैंडल के फ्लेम को देखा तो हमें क्लियर दिख रही थी, लेकिन एक बेंड पाइप अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें से कैंडल दिखती नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में ही करती है या चलती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वाटर के अंदर, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा कि जो लाइट कैंडल थी वो अगर आप स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो आपको इजीली दिखेगी, वेल बेंड पाइप से देखते हैं तो आपको वो नहीं दिखेगी। तो ये एक्टिविटी बताती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आपको पाथ चेंज करना है लाइट का, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर लाइट फॉल हो रही है किसी चीज़ पे तो किस तरह से आपको उसका पाथ चेंज करना है, तो आपको एक पॉलिश या शाइनी सरफेस लेना है जिसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट करने लगती है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक वे है कि चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं डायरेक्शन को लाइट की, तो उसे आप फॉल कर दीजिए शाइनी सरफेस के ऊपर। जैसे कि अगर आपने शाइनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट ली है या फिर शाइनिंग स्टील का स्पून ले लिया है आपने, तो वो आपकी लाइट के डायरेक्शन को इजीली चेंज कर सकता है। या सरफेस ऑफ वाटर की बात करें तो वो भी एक तरह से एक मिरर का काम करता है और वो भी चेंज करता है पाथ को लाइट के। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको ट्रीज या बिल्डिंग्स के रिफ्लेक्शन दिखते हैं वाटर के अंदर। कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस की बात करें तो वो मिरर का काम करती है और इसी के कारण लाइट जो है उसके ऊपर फॉल होता है। जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मिरर जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को, अगर उसके ऊपर कोई लाइट फॉल हो रहा है तो ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है मिरर के थ्रू, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम ये एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी को देखेंगे जिससे हम इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। एक्टिविटी 15.1 में हमें एक टॉर्च लेना है, कवर करना है उसे, उसके ऊपर का जो ग्लास है उसे हमें एक चार्ट पेपर के साथ कवर कर देना है, जिसके अंदर 3 स्लिट्स हों, या कह सकते हैं 3 लाइंस हों, छेद हों, जिसे हम कह सकते हैं 3 स्लिट्स बनाकर हमें कवर लगाना है या चार्ट पेपर उस टॉर्च के ग्लास पर लगाना है। अब हमें कुछ स्प्रेड कर देनी है शीट्स को, चार्ट पेपर की शीट्स को हमें ज़मीन पर स्प्रेड कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिया हुआ है, नीचे कुछ शीट्स को स्प्रेड कर दिया गया है। एक स्मूथ वुडन बोर्ड लेना है हमें, वो जो हमने शीट्स को स्प्रेड किया है उसके आसपास हमें एक स्मूथ वुडन बोर्ड लेना है। फिक्स करना है एक प्लेन मिरर स्ट्रिप को वर्टिकली चार्ट पेपर के ऊपर। अब हमें डायरेक्ट जो बीम है लाइट का उसे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है टॉर्च के थ्रू, और वो स्लिट्स में से बाहर आना चाहिए। जैसे हमने जो स्लिट्स रखे हैं, क्योंकि ऊपर तो हमने चार्ट पेपर लगा दिया है टॉर्च के ग्लास पे, तो जो 3 स्लिट्स बची हैं उसके अंदर से उसका लाइट या बीम पास होना चाहिए। अब आपको उस टॉर्च को इस तरह से रखना है कि जो लाइट है वो दिखना चाहिए चार्ट पेपर के ऊपर, मतलब नीचे जो हमने चार्ट पेपर फैलाए हुए हैं उसके थ्रू पास होना चाहिए, उस चार्ट पेपर के थ्रू पास होना चाहिए। अब आप उसकी पोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, लाइट की पोजीशन को टॉर्च के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस पे आप उसे अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और टॉर्च की जो लाइट है वो स्ट्राइक होगी प्लेन मिरर के ऊपर और वो कुछ एंगल में होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर डायग्राम में हमें दिया है। अब आप बता सकते हैं कि क्या मिरर चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइट को जो उसके ऊपर फॉल हो रही है, ये हमें उससे पता चलेगा। आप अगर ऐसी एक्टिविटी ये करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब आप उस टॉर्च को स्लाइटली मूव कीजिए अनदर साइड पे, आइदर साइड पे, और आप देखेंगे कि अब कोई चेंज हो रहा है या नहीं उसके डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या नहीं।
आप मिरर के अंदर देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट को, और आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कि क्या नई चीज उसमें हुई है, कि जो स्लिट्स हैं मिरर के वो किस तरह से दिखने लगते हैं आपको। जैसे हम डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो स्लिट से लाइट जा रहा है वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो इमेज है स्लिट्स की वो कैसे दिख रही है हमें, अपोजिट दिख रही है या वहां से उसी तरह रिफ्लेक्ट होते हुए हमें दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर से लाइट इजीली रिफ्लेक्ट हो सकता है। एक्टिविटी 15.2 में हमें करना है कि एक लाइटेड कैंडल लेनी है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, और आपको देखने की कोशिश करनी है कि वो फ्लेम जो है कैंडल की वो मिरर में दिख रही है। अगर वो दिख रही है जैसे कि सिमिलर बिल्कुल हमारे जो कैंडल है ओरिजिनल कैंडल है उसकी जैसे मिरर के अंदर भी, तो हम कह सकते हैं कि कैंडल जो है वो इमेज वो कैंडल की किस तरह है, तो इरेक्ट इमेज है जिसे हम कह सकते हैं। और कैंडल जो है इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वाइल जो कैंडल हमें अंदर मिरर के अंदर दिख रही है वो इमेज होती है, वो इमेज का काम कर रही है। अब आप इस तरह से उस कैंडल को अलग अलग पोजीशन में मूव कीजिए मिरर के सामने, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा हर केस में, क्या आपको उसी तरह सेम इमेज दिखेगी जो ओरिजिनल कैंडल की है वो, या कुछ चेंज दिखेगा उसके साइज या शेप में, आपको बिल्कुल अपराइट दिखेगी ईच केस में या कुछ डिफरेंस दिखेगा, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी डायरेक्शंस या पोजीशन को चेंज करके। वो जो फ्लेम होती है वो टॉप ऑफ द कैंडल अपीयर हो रही है क्या ऑब्जेक्ट के, और ये जो इमेज होती है उसे इरेक्ट इमेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसी हमारी इमेज है बिल्कुल उसी तरह की कैंडल के ऊपर ही फ्लेम दिख रही है, अगर सेम वैसी ही दिख रही है मिरर में तो उसे इरेक्ट इमेज कहते हैं हम। और ये इमेज जो होती है प्लेन मिरर के थ्रू इरेक्ट होती है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट शो करेगी, जो रियल ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसी का जो हमें अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो भी सेम उसी तरह होगा। अब आपको एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है बिहाइंड द मिरर, और आपको ऑप्टेन करनी है उस कैंडल की इमेज को स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखेंगे कि वो इमेज क्या उस स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो गई। अब आपको उस स्क्रीन को प्लेस करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब अगर आप वो इमेज को उस स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, वो जो इमेज आपकी थी वो स्क्रीन के अंदर दिख रही है क्या आपको? अब क्या आप वो इमेज को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो मिरर की जो मिरर के ऊपर आप उस स्क्रीन को देख सकते हैं? आपने जैसे ही देखा है तो इमेज आपको क्या स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, हमें ये देखना है। उसके बाद हम जैसे ही देखेंगे कि आप ये जो इमेज है आपको कैंडल की ये दिखने लगेगी, जैसे कि यहाँ पर हमें डायग्राम में ऊपर दिया हुआ था कैंडल की इमेज किस तरह से दिख रही है, जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होगी आदर केस में। और अगर आप डिस्टेंस जो है इमेज का वो मिरर से अगर हटाते हैं या दूर करते हैं तो आप किस तरह से आपको इमेज दिखेगी ये परफॉर्म करके देख सकते हैं अनदर एक्टिविटी में। जैसा कि एक्टिविटी 15.3 हमें दी है, इसमें हमें एक चेस बोर्ड लेना है। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए, जिस पर 64 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइजेस आप बना लीजिए, और थिक लाइन जो है उसके मिडल में आप उस पेपर के बना लीजिए। अब एक प्लेन मिरर को फिक्स कर दीजिए, वर्टिकली प्लेन मिरर को उस लाइन के ऊपर, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो भी है जैसे पेंसिल ले लीजिए, शार्पनर ले लीजिए, कोई भी चीज़ या बाउंड्री, वो उस बाउंड्री पे आपको रखना है थर्ड स्क्वायर की काउंटिंग में उस मिरर से। अब आप उसकी पोजीशन को, इमेज को, पोजीशन ऑफ द इमेज को नोट कर लीजिए कि वो कहाँ दिख रही है या कहाँ पर है। अब आप धीरे धीरे अगर उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, अगर फोर्थ स्क्वायर की बाउंड्री पे रख रहे हैं तो आप अगेन नोट कीजिए उसकी पोजीशन की, इमेज की पोजीशन को। अब आप देखेंगे कि कई आपको कोई रिलेशन दिख रहा है इसके डिस्टेंस में, इमेज की जो डिस्टेंस था आपने पोजिशन को चेंज किया तो किस तरह का चेंज आपको दिखा उस मिरर के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ इट आप अगर सामने रखेंगे तो इस तरह से आपको पता चलेगा। जैसे शार्पनर हमने रखा है, अगर थर्ड लाइन के बाउंड्री पे रखा है तो किस तरह की इमेज हमको मिरर के अंदर दिख रही है, फोर्थ बाउंड्री पे रखा है फोर्थ स्क्वायर की बाउंड्री पे तो किस तरह की इमेज दिख रही है, ये आप इस एक्टिविटी को करने के बाद जान जाएंगे। इस तरह से उसकी इमेज को आपको लोकेट करना है प्लेन मिरर की। आप देखेंगे कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे अगर है तो बिहाइंड द मिरर वो आपको दिखने लगे दिखने को मिलेगी, और बिल्कुल ऑब्जेक्ट अगर उसके फ्रंट में रखा है तो। आप इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रख के वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं भी चार्ट पर चार्ट पेपर पर रखिए और आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपको इमेज वहां पर देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे राइट और लेफ्ट। अब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी इमेज जो होती है अगर प्लेन मिरर के अंदर हम देख लें तो बिल्कुल उसी तरह दिखती है। अगर आप
मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको बिल्कुल अपने जैसी इमेज मिरर के अंदर देखने को मिलती है। तो आपने क्या देखा है कि ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ डिफरेंस आता है तुम्हारे तुम्हारे इमेज के अंदर। जैसे 15.4 में हमें दिया है कि आप एक मिरर के सामने खड़ जाइए, प्लेन मिरर के सामने, और अपनी इमेज को उसके अंदर देखिए। लेकिन जब आप अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो क्या आपको इस इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड ही रेज होता हुआ दिखेगा? आप टच कीजिए अपने राइट ईयर को और देखिए आप अपनी इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है। आप इन चीज़ों को जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मिरर एकदम अपोजिट चीज़ दिखाता है, कि अगर आप अपने राइट हैंड को रेज कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा मिरर के अंदर, मतलब राइट अपीयर्स लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर्स राइट। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, साइड्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, इमेज अपीयर होती है अपसाइड डाउन, इमेज अपीयर नहीं होती, अपनी इमेज वैसे की वैसी ही दिख रही है, उल्टी नहीं दिख रही इमेज, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अब आप इस तरह से नेम की बात कर लीजिए, आप एक पेपर के ऊपर अपना नाम लिख के, पीस ऑफ पेपर पर नाम लिख कर उसे होल्ड कीजिए अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर इस डायग्राम में हमें अपना लेफ्ट हैंड एक बॉय अपीयर हो रहा है, उसका हैंड लेफ्ट हैंड जो इमेज में हमें राइट साइड में दिख रहा है, तो इस तरह से हमें इमेज में दिखता है। जैसे मैंने कहा कि आप एक नाम लिख लीजिए अपने पेपर के ऊपर एक नाम लिख लीजिए और उसे अगर आप होल्ड करेंगे प्लेन मिरर के सामने, तो आपको वो नाम किस तरह दिखेगा? डेफिनेटली वो आपको बिल्कुल अपोजिट दिखेगा या उल्टा नाम लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि हम जानते हैं एम्बुलेंस जो है वो कभी भी एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ नहीं रहता, एम्बुलेंस के ऊपर वो उल्टी तरह से लिखा होता है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड और फिर स्टार्ट इस तरह से, एंड टू इनिशियल पोजीशन इस तरह से नाम लिखा होता है। तो ये इसलिए क्योंकि जो उसके आगे की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की आगे की गाड़ियां हैं, वो इजीली अगर अपने रियर व्यू मिरर से देखेंगी तो उन्हें वो एम्बुलेंस की स्पेलिंग क्लियर दिखेगी, क्योंकि इमेज जो है मिरर में हमारा क्या दिखाता है, बिल्कुल अपोजिट चीज़ दिखाता है, जैसे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाता है। तो आप अगर अपने नेम जो लिखेंगे तो नेम को अगर आप उल्टा लिखते हैं तो आपको मिरर में वो सीधा दिखाई देता है, इसीलिए एम्बुलेंस जो है उसके लिए उसका नाम जो है वो उल्टा लिखा होता है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है ये किसी की लाइफलाइन का काम करती है, तो वो चीज़ जल्दी किसी की समझ में आए इसलिए इस चीज़ को उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर, ताकि अगर उसके सामने वाली कोई व्हीकल है, अहेड कोई व्हीकल है, तो उसे अगर पता चलता है कि अपने पीछे एम्बुलेंस है तो वो जल्दी से रास्ता देती है, हम कह सकते हैं कि ब्लॉकिंग को हटा देते हैं हम, ताकि एम्बुलेंस ईजिली पास हो सके। हमने ये भी देखा होगा बहुत बार कि जो साइड मिरर होते हैं स्कूटर या कार के, उनके जो इमेजेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो हमको स्मॉलर अपीयर होते हैं देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ, जैसे होते हैं उससे हमें स्मॉलर दिखाई देते हैं। तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों? अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में प्ले करते वक्त किस तरह से ये परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आप डिनर के टेबल पर बैठे हैं और आपने, जैसे आप वेट कर रहे हैं कि डिनर आएगा, उसके पहले ही आपके हाथ में एक स्टेनलेस स्टील प्लेट है, तो उसमें आप अपनी इमेज को देख सकते हैं। ये प्लेट एक्ट करेगी एक प्लेन मिरर की तरह और इसमें आपकी इमेज जो है बिल्कुल इरेक्ट की तरह दिखेगी और सेम साइज की इमेज आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप स्टील स्पून की बात करें तो वहाँ भी आपकी इमेज आपको इरेक्ट इमेज दिखेगी और स्मॉलर साइज की दिखेगी, हो सकता है स्मॉलर क्योंकि आपकी जो स्पून है वो स्मॉलर साइज की है, बट स्पून जो है वो भी मिरर का काम करेगी। और उसके बाद में इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। एक्टिविटी 15.5 में हमें एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है और उसके आउटर साइड की तरफ स्पून के अपने फेस को देखना है। तो आप जैसे ही उसके अंदर देखेंगे तो आप क्या दिखेंगे? अपनी इमेज उसमें देखेंगे। क्या ये इमेज अलग होगी आपकी ओवरऑल इमेज से? आपकी प्लेन इमेज में अगर आप प्लेन मिरर में देखते हैं वैसी इमेज आपको दिखेगी या डिफरेंट दिखेगी? ये इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी या इरेक्ट नहीं होगी? कैसी इमेज होगी? और साइज जो होगी आपकी इमेज की वो स्मॉल होगी, लार्जर होगी या सेम साइज होगी? ये आप इस एक्टिविटी को करने के बाद ही जान सकते हैं। यहाँ पर हमें आउटर साइड स्पून की जो है वहां पर हम अपनी इमेज देख रहे हैं। अब आप उस इमेज को इनर साइड से देखिए, मतलब स्पून के सही जो अंदर का भाग होता है वहां से हमें देखना है अपनी अपने फेस को उस स्पून के अंदर। इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट होगी और लार्जर साइज की होगी। और अगर आप इंक्रीज करेंगे उसके डिस्टेंस को स्पून से, जितना ज्यादा दूर अपने फेस को ले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड होने लगेगी। और आप इस चीज को भी कंपेयर कर सकते हैं पेन पेंसिल, और आपके फेस की जगह पेन पेंसिल को ले लीजिए तो आपको और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। ये इनर साइड की डायग्राम हमें यहाँ दी हुई है। कर्व शाइनिंग सरफेस जो होता है स्पून का, वो मिरर की तरह एक्ट करता है, इसलिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है कर्व मिरर का वो स्फेरिकल मिरर है।
अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्पेरिकल मिरर का है वो कॉनकेव होता है तो उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक कॉन्वेक्स अगर होगा तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। डायग्राम ए में जो दिया है हमें, ए और बी में हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम्स दी हुई हैं, इमेजेस दी हुई हैं किस तरह से वो वर्क हो करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक बॉल अगर हम ले लें स्पेरिकल बॉल और उसे बीच में से कट कर दें तो जो उसका इनर पोर्शन होता है वो वर्क करता है एज अ कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सर्फेस, वाइल जो आउटर सर्फेस होता है वो कॉन्वेक्स सर्फेस का काम करता है। इनर सर्फेस जो होता है स्पून का वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, वेल आउटर सर्फेस जो है कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो प्लेन मिरर से फॉर्म होती है और स्क्रीन के ऊपर ऑप्टेन नहीं होती, मतलब कोई भी इमेज है तो वो प्लेन मिरर से अगर ऑप्टेन की हुई है तो वो ऑप्टेन नहीं, वो दिखेगी नहीं स्क्रीन के ऊपर। अब इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 15.6 में हमने देखना है, हमें एक कॉनकेव मिरर लेना है। आप देखिए यहाँ पर एक हमें कॉनकेव मिरर का फॉर्म दिया है, रियल इमेज बनी हुई है सन के थ्रू, सन की रेज के थ्रू। कॉनकेव मिरर लेना है और उसे फेस करना है सन की तरफ, उसका मुंह रख के हमें पकड़ के रखना है और आपको उसकी लाइट को अपनी तरफ, मतलब उस कॉनकेव मिरर की तरफ उस लाइट की रिफ्लेक्शन हो इस तरह से उसके डायरेक्शन को रखना है, और एक शीट ऑफ पेपर आपको रखना है मिरर के आसपास में। अब आपको उसके डिस्टेंस को एडजस्ट करना है उस पेपर के अंटिल यू गेट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। जैसे ही सन की जो आपको शार्प ब्राइट स्पॉट अगर दिखने लग जाए उस डायरेक्शन तक आपको उसे थोड़ा थोड़ा मूव करना है, उसकी पोजीशन को हिलाना है, और देन आप उस मिरर को फिर जब आपको ब्राइट स्पॉट मिल जाए तो उस मिरर को आपको कॉन्स्टेंट पकड़ के रखना है या होल्ड करके रखना है स्टेडी फ्यू मिनट्स के लिए। कुछ देर अगर आप इसे पकड़ के रखेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि उस पर सन रेज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही हैं थ्रू दिस कॉनकेव मिरर। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है वो इमेज होती है सन की, और जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है। ये इमेज जो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हुई है इसे रियल इमेज कहते हैं। इस तरह से एक्टिविटी के जितने भी आपके रिकॉर्ड्स है उसे आपको रिकलेक्ट करना है। इमेज को प्लेन मिरर पे ऑप्टेन, जैसे हमने बोला था कि स्क्रीन पे नहीं होता, तो अगर नहीं होता है ऑप्टेन तो उसे इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं, वाइल अगर ऑप्टेन होता है इमेज स्क्रीन के ऊपर तो उसे रियल इमेज कहते हैं। एक और एक्टिविटी दी है हमें 15.7 में, जिसमें हमें कॉनकेव मिरर लेना है, एक स्टैंड के ऊपर लेना है, स्टैंड अरेंजमेंट करनी है ताकि वो मिरर स्टेडी रहे, जिसे हम हिला ना सकें वो हिले ना, और उसे एक टेबल के ऊपर हमें रख देना है। अब हमें एक पीस ऑफ वाइट पेपर लेना है, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर उसे हमें लगा देना है जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, और हमें बीच में एक कैंडल रखनी है। जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम का नाम दिया है रियल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, किस तरह से रियल इमेज फॉर्म हुई है। तो 15x10 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड हमने ले लिया, वो जो स्क्रीन का काम करेगा या स्क्रीन की तरफ परफॉर्म होगा उसका वर्क। और अब आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है जो टेबल टेबल के ऊपर रखनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको उसको रखनी है, और आपको अब उसकी इमेज को ऑब्टेन करना है उस फ्लेम की उस स्क्रीन के ऊपर, और इसके लिए आपको मूव करनी होगी वो स्क्रीन को टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑप्टेन। जब तक शार्प इमेज ना बन जाए तब तक आपको उसको मूव करना है, पर ये एक बात ध्यान रखिए कि स्क्रीन जो है वो मूव नहीं होनी चाहिए। वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है कॉनकेव मिरर से, देख सकते हैं आप पूरी तरह से इमेज किस तरह से दिख रही है कैंडल की उसके अंदर। एक बात याद रखिए, जो स्क्रीन है आपकी उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, लाइट के थ्रू कैंडल फॉलिंग के थ्रू मिरर के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। और ये जो इमेज होती है वो रियल है या वर्चुअल है आपको उसके बाद पता चलेगा। अगर रियल इमेज है तो आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज जो है वो दिखेगी, लेकिन अगर स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रही है मतलब वो वर्चुअल इमेज है, और ये सेम साइज की होगी, फ्लेम के साइज की होगी। अब आप उस कैंडल को मूव कीजिए टुवर्ड्स द मिरर और प्लेस कीजिए उसके डिफरेंट डिस्टेंसेस में, वहां से अलग अलग डिस्टेंस पे आप रखिए। आप हर केस में देखेंगे कि अलग इमेज स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, इमेज अलग अलग स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर अलग अलग इमेज देखने को मिलेगी। आपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करके टेबल 15.1 में लिख सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप इमेज ऑप्टेन कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जब कैंडल्स जो है आपकी बहुत ही क्लोज अगर होगी मिरर के। तो अगर हम देखें कि इमेज जो फॉर्म हुई है ये कॉनकेव मिरर के थ्रू अगर देखेंगे तो ये स्मॉलर या लार्जर किस साइज में दिखेगी ऑब्जेक्ट से, तो इमेज रियल है या वर्चुअल है ये भी हमें पता चलेगा, और स्मॉलर है या लार्जर है ओरिजिनल हमारा जो इमेज या ऑब्जेक्ट है उसके साइज से ये हमें एक्टिविटी करने के बाद पता चलेगा। कॉनकेव मिरर में अगर हम देखें तो बहुत सारे पर्पस के लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास देख सकते हैं कॉनकेव मिरर्स होते हैं एग्जामाइन करने के लिए आइज को, ईयर्स को, नोज को और थ्रोट को।
कॉनकेव मिरर्स आपको डेंटिस्ट डेंटिस्ट के पास भी मिल सकते हैं, जो एनलार्ज इमेज बताते हैं आपके टिथ की, सो दैट दे कैन वर्क ऑन इट इजीली, इजीली आपके दांतों को वो देख सकें, एग्जामाइन कर सकें. और जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्चेस के या हेडलाइट्स होते हैं कार या स्कूटर के, वो भी कॉनकेव शेप के बने होते हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पे एक डेंटिस्ट है जो एग्जामाइन कर रहा है पेशेंट को. शाइनी सरफेस जो होता है बेल का हम कह सकते हैं, उसकी न्यू जैसे न्यू बाइसिकल्स हमारी होती है तो उसके ऊपर जो बेल के ऊपर शाइनी सरफेस होता है, ये भी जो इमेज है इस तरह से इमेज इसके ऊपर हमें कैसी दिखती है, इरेक्ट और स्मॉलर साइज की दिखती है. जैसे हमें यहाँ पे दिया है टॉर्च का रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च रिफ्लेक्टर किस तरह दिया है, आप अगर निकाल के इस पार्ट को देखेंगे जो अपर पार्ट होता है उसे आप अगर हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी कॉनकेव सरफेस बना हुआ है. इमेज अगर कॉन्वेक्स मिरर से देखें तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से दिख रही है ये इमेज. अगर बेल जो है स्पेरिकल मिरर, बेल जो है एक काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर ही है क्योंकि उसका ऊपर का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टाइप ऑफ मिरर की तरह. एक्टिविटी 15.8 में हमें 15.7 की एक्टिविटी को रिपीट करना है, बट यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स मिरर लेना है कॉनकेव मिरर की जगह. अब अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. आप क्या फाइंड करेंगे कि क्या आपको रियल इमेज मिल रही है कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के या कुछ और मिल रहा है. तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है डायग्राम में कि हमें एकदम रियल इमेज तो नहीं मिल रही, इरेक्ट इमेज मतलब हमारी इतनी बड़ी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें उसमें कितना छोटा सा दिख रहा है कॉन्वेक्स में. तो यहाँ पर हमें टेबल 15.1 दिया हुआ है जिसमें हमें ये ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके. जैसे हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का चेंज करना है मिरर से, पहले 50 सेंटीमीटर रखना है, देन 40, देन 30, और उसमें देखना है कि इसकी इमेज किस तरह से दिखेगी हमें मिरर के अंदर, स्मॉलर दिखेगी या लार्जर दिखेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. और लास्ट में हमें उसका कैरेक्टर लिखना है कि क्या वो इन्वर्टेड दिख रहा है या इरेक्ट दिखता है या रियल है या वर्चुअल है. इरेक्ट है मतलब आपको सेम इमेज दिखेगा वैसा का वैसा, इन्वर्टेड है मतलब उल्टा इमेज दिखेगा. वेल रियल इमेज की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर भी आपको उसका इमेज दिखेगा, और अगर वर्चुअल है तो स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं दिखेगा. कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर की तरह भी काम जैसे हम करते हैं. ये देख सकते हैं कि हमारी गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर से बना होता है. और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं जो दिखते हैं हमें कार्स और अदर व्हीकल्स, वो जिस साइज के होते हैं उससे बड़ी साइज में दिखते हैं ताकि इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें हम उस मिरर के थ्रू बाकी व्हीकल्स को जो हमारे आसपास चल रही हैं. कॉन्वेक्स मिरर जो है वो फॉर्म करते हैं इमेजेस को ऑब्जेक्ट की जो लार्ज एरिया में स्प्रेड करते हैं, मतलब हमें बड़ी इमेज दिखने को मिलती है ताकि ड्राइवर जो है वो ट्रैफिक उसके आसपास का इजीली देख सके. अब इमेजेस किस तरह फॉर्म होती है लेंसेज के थ्रू, तो जैसे हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, तो ये जो होता है वो बहुत स्मॉल प्रिंट को पढ़ने के लिए काम आता है. जो हमारे वर्ड्स होते हैं स्मॉल प्रिंट्स होते हैं उनको बड़ा बनाने में काम में आता है, बड़ा बनाता है. जैसे हमने देखा होगा कि ये जो है ऑब्जर्व करते हैं बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के, कॉकरोचेस और अदर अर्थफॉर्म के बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है तो भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होता है. और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक्चुअली एक टाइप ऑफ लेंस होते हैं. ये लेंस जो है वाइडली यूज होते हैं स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में. कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप इसमें अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. कुछ लेंसेज की बात करें तो टच और फील करना, टच और फील कर सकते हैं आप, टच करके देख सकते हैं कुछ डिफरेंस आपको ज़रूर पता चलेगा टचिंग से. और ये जो लेंस होते हैं कुछ लेंस आपको दिखेंगे जो थिकर होते हैं इन द मिडल, मिडल में आपको थोड़े से थिक दिखेंगे और एजेस में वो बहुत ही थिन होंगे. और कुछ लेंसेस ऐसे होंगे जो आपको मिडल में थिन दिखेंगे और आसपास में एजेस जो होती हैं उसकी वहाँ पर थिक होंगे. तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ है कि छोटे से हमें प्रिंट जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर दिख रहा है. तो ये जो होते हैं दो अलग अलग टाइप के ग्लासेस लेंसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट और लाइट उसमें से इजीली पास हो सकती है. नंबर ए वाला जो है कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें मिडिल पार्ट थिक है और एंड पार्ट थिन है. सेकेंड वाला कॉन्केव है जिसमें मिडिल पार्ट थिन है और जो हमारे एजेस हैं वो थिक हैं. एक्टिविटी 15.9 में हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और उसे एक सनरेज की पाथ के पास रख देना है जहाँ से सनरेज आ रही हैं, जिस जगह पर गिर रही हैं वहाँ पर हमें उस जगह पर रख देना है. एक शीट ऑफ पेपर हमें लेना है और एडजस्ट करना है उसके डिस्टेंस को बिटवीन लेंस और पेपर, जब तक कि हम एक ब्राइट स्पॉट ना ले लें, सन का ब्राइट स्पॉट हमें उस पेपर पर दिखने ना लगे. अब उस होल्ड कर दीजिए आप उस लेंस को और उस पेपर को उस पोजीशन पे कुछ मिनट के लिए. अब आप देखेंगे कि वो पेपर जो है वो बिगिन होने लगेगा बर्न करने के लिए, मतलब वो बर्निंग शुरू करेगा. बहुत बार आप देखते होंगे अपने वॉच के जो ग्लास होते हैं उसके थ्रू भी आप अगर सन में उस वॉच को हिलाएंगे या उस ग्लास को हिलाएंगे तो आपको उसके स्पॉट देखने को मिलता है. अगर आप उसे अच्छी तरह से एक
अपनी पोजीशंस को चेंज करके देखेंगे तो आपको एक स्पॉट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर पूरा ब्राइट स्पॉट आपको देखने को मिल सकता है। अब आप इस जो कॉनकेव आपका मिरर था उसे कॉन्वेक्स लेंस के साथ में, कॉन्वेक्स लेंस जो था उसे कॉन्केव लेंस के साथ रिप्लेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको ब्राइट स्पॉट कहाँ दिख रहा है, पेपर के ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी आपको उससे पता चलेगा। जैसे हम जान सकते हैं कि ये जो केस हैं अलग अलग मिरर्स के, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, उनके नेचर, उसके साइज, इमेज के जो है वो चेंज होते रहता है अगर हम पोजीशंस को चेंज करेंगे तो, और ये ट्रू है लेंसेज के लिए। एक्टिविटी 15.10 की बात करें तो हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसे एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देना है। कॉन्केव मिरर है अगर तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसके टेबल के ऊपर रख दीजिए एंड प्लेस अ लाइट कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। हमें उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइट रख देना है, कैंडल के पास में हमें लेंस रख देना है, और अब आपको उसकी इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से हमें उसकी इमेज किस तरह दिखेगी, तो पेपर कैंडल की जो इमेज है वो हमें पेपर स्क्रीन के ऊपर प्लेस करनी है अंदर साइड ऑफ द लेंस के, और आप देखेंगे कि अब जैसे उसे मूव करेंगे स्क्रीन के पास में तो ये जो लेंस है वो दूर दूर लेंस के, लेंस से आपको जो इमेज है वो दूर दूर जाते हुए दिखेगी, वो फ्लेम की इमेज जो है। और ये इमेज किस तरह होगी ये आपको एक्टिविटी करने के बाद पता चलेगा कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। अगर डिस्टेंस वैरी नहीं हो रहा है कैंडल का फ्रॉम द लेंस तो ये इमेज को आपको ट्राई कर, ये चीज़ को आपको ऑप्टेन करना है, इमेज को ऑप्टेन करने की कोशिश कीजिए कैंडल के फ्लेम को एवरी टाइम पेपर की स्क्रीन को आपको मूव करना है, हर जगह मूव कीजिए, कहीं ना कहीं पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी इस इमेज को। अगर आपको ये इमेज स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है तो ये रियल इमेज है, और अगर नहीं मिल रही है तो ये वर्चुअल इमेज है, जैसे हमने एक्टिविटी 15.7 में कॉनकेव मिरर के लिए किया था। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ जो है हमें डायग्राम ए में जो इमेज हमें इस कार्डबोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वो इन्वर्टेड इमेज है, मतलब उल्टी इमेज हमें दिख रही है कैंडल की, वेल हमें बी वाले में भी इमेज तो दिख रही है लेकिन कैसी दिख रही है, उल्टी इमेज दिख रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट प्लेस किया है डिफरेंट डिस्टेंस में, वहाँ से तो इस तरह की इमेज दिख रही है हमें, और वर्चुअल इमेज जो है फॉर्म हुई है कॉन्वेक्स लेंस से, ये वर्चुअल इमेज है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, इस तरह की इमेज कॉन्केव से पता चलेगी, और वर्चुअल इमेज इस तरह से पता चलेगी कॉन्वेक्स से। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी पोजीशन अगर है ऑब्जेक्ट की, एक इमेज की, जो इमेज है वो इरेक्ट होती है या मैग्निफाइड होती है। क्या ये इमेज ऑप्टेन होगी स्क्रीन के ऊपर, और अगर होगी तो ये कैसी इमेज होगी, और नहीं होगी तो कैसी होगी। तो हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास, हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास पे। तो सिमिलर फैशन में अगर स्टडी करें हम इमेजेस की जो कॉन्केव लेंस से बनी हुई है, तो हम देखेंगे कि इमेज जो है कॉन्केव लेंस से बनी हुई वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर होती है साइज में एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब सनलाइट की बात करते हैं तो वाइट रहता है या कलर्ड रहता है ये हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रेनबो जो होता है स्काई में वो बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेनबो में उसका कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता, और ये हमेशा हमें रेन के बाद जो सन आता है उसके थ्रू हमें स्काई में देखने को मिलता है। रेनबो जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो एक लार्ज आर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्काई में, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, और ये कलर्स जो हैं ये प्रेजेंट करते हैं रेनबो को, अलग अलग कलर्स ही हम रेनबो कहा जाता है उसी को। 7 कलर्स उसमें होते हैं अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किए हों तो, और इस जैसे हम रेड, येलो, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट, मतलब बिबग्योर जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स हमें रेनबो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो प्रिज्म जो है ये किस तरह के परफॉर्म होता है फंक्शन, ये हम देखेंगे आज। जैसे सीडी प्लेस कर दो आप कोई सन के सामने, एक सीडी आप रख दीजिए तो आपको उसमें भी बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोप बबल्स को अगर आप सन के इसमें देखेंगे तो वो भी आपको कलरफुल अपीयर होंगे। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से इन सब चीज़ों के, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर लें या बबल की बात कर लें, तो बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरह होती हैं ये हम देखेंगे एक्टिविटी 15.11 में, जिसमें हमें ग्लास प्रिज्म लेना है और उसके अंदर एक नैरो बीम के थ्रू सनलाइट को पास करना है, एक स्मॉल होल के थ्रू, एक विंडो से, या कह सकते हैं डार्क रूम में, जो सीधे उस प्रिज्म के फेस पर फॉल होनी चाहिए। और अब उस लाइट को आप अदर फेस से बाहर निकल सके इस तरह से आप उस प्रिज्म को रखना है हमें। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सनलाइट आ रही है एक साइड से और दूसरी साइड से हमें वैरायटी ऑफ रेज दिख रही हैं।
तो ये जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर है या व्हाइट वॉल है, ऐसे सामने की तरफ आप एक चीज को रख दीजिए जिसके ऊपर वो जो हमारे सन की रेज है वो आने के बाद में जो उसके रिफ्लेक्शंस है वो गिरे, और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे अलग अलग कलर्स आपको जो है वो उस व्हाइट वॉल के ऊपर देखने को मिलेंगे, और यही हम कह सकते हैं कि रेनबो के कलर्स भी इसी तरह होते हैं। ये शो करता है कि सनलाइट जो है वो 7 कलर्स से कंसिस्ट होती है। सनलाइट जो है वो व्हाइट कलर की भी होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर्स हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी है। 15.2 में हमें एक सर्क्यूलर कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर की लेनी है, और इस डिस्क को हमें डिवाइड कर देना है अलग अलग 7 सेगमेंट्स में, और ये 7 सेगमेंट्स को हमें 7 रेनबो के कलर से पेंट कर देना है, या फिर आप उसके ऊपर चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं उस कलर के पेपर्स को। और अब आप उसके ऊपर एक स्मॉल होल उसके एकदम मिडल में कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए उस डिस्क के, एंड देन आप उसे इस तरह से कीजिए फिट एक पेन के ऊपर या टिप ऑफ पेन के ऊपर, ताकि वो इजिली मूव हो सके, मतलब इजिली घूम सके, उसमें रोटेट हो सके। इस तरह से आपको उस डिस्क को उसके ऊपर फिट करना है। अब आप डे लाइट के अंदर उस डिस्क को मूव कीजिए या रोटेट कीजिए। जब वो डिस्क रोटेट होगी बहुत ही फास्ट, तो आपको कलर जो है सारे मिक्स्ड होते हुए दिखेंगे, एंड देन यू विल सी द कलर अपीयर ऑन दैट डिस्क इज वाइट। वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा सबसे टॉप पे, आपको सारे कलर्स छुप जाएंगे एंड वाइट कलर आपको शो होगा सबसे टॉप पे उस डिस्क के। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क है वो पॉपुलरली इसीलिए नोन एज न्यूटन्स डिस्क, इसीलिए न्यूटन्स डिस्क कहा गया है, क्योंकि ये डिस्क में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैजिक है, कि जब आप ऊपर सारे 7 कलर्स हैं और जब आप उसे फास्ट मूव करते हैं तो वो डिस्क जो है आपको व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। तो ये डिस्क जो है पहली हमें 7 कलर्स में दिख रही है, और दूसरी वाली व्हाइट दिख रही है जब आप उसे रोटेट कर रहे हो। तो इस तरह से ये चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।